संविधान के दायरे में रहते हुए हमारे देश के सेंसर बोर्ड ने यदि उसे सम्मति दी है तो किसी को कोई हक नहीं बनता है वो उसके खिलाफ बातें करें। जैसे कि पद्मावती को लेकर हमारे यहाँ एक चर्चा चल रही है, संजय लीला भंसाली जी हमारे इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। कोई भी निर्माता, कोई भी निर्देशक, कोई भी लेखक कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारी फिल्मों को, हमारे फिल्मों के दृश्यों को लेकर समाज में कोई बहस छिड़ी जाए गलत तरीके की, या समाज उसके ऊपर ब्लेम करे, समाज गलत नज़र से देखे। हमेशा साफ सुथरा विचार रखकर देश को कुछ अच्छा देने का कोशिश करते हुए, चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे पद्मावती हो, ये दोनों फिल्में आ रही है। मुजफ्फरनगर जो इसका नाम है द बर्निंग लव, ये जो जलता हुआ प्यार है हिंदू और मुस्लिम के बीच में 2013 में जला दिया गया था उसी के बारे में है। और मुजफ्फरनगर का पहले नाम था मोहब्बत नगर, और मोहब्बत नगर मुजफ्फरनगर का नाम इसलिए था क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ के हिंदू और मुस्लिम से भाइयों से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार था, और प्यार आज भी है। लेकिन 2013 के बाद बोला जाता है प्यार था, लेकिन हमने 2016 में जाके वहाँ फिल्म शूट की और हमने देखा कि वहाँ पे आज भी प्यार है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि सच जो है 2013 में आधा ही बाहर आया था। हम चाहते हैं कि आपकी फिल्म के जरिए सच पूरा बाहर आए, तो हमने वही कोशिश की है कि हमारी फिल्म के जरिए 2013 का जो आधा सस्ता वो पूरा बाहर आए, जो कल बाहर आ जाएगा। क्या वो भाग है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है, बवाल खड़ा हुआ है, वहाँ के सीएम ने, मुजफ्फरनगर के डीएम ने जी, सबसे पहला रीज़न तो नाम अपने आप में जो है हर चीज़ के ऊपर एक शंका पैदा कर देता है कि मुजफ्फरनगर कहीं ये 2013 के उन दंगों की बात तो नहीं है जिसमें शायद कुछ गलत लोगों ने अपने पर्सनल फायदे के लिए ये दंगे कराए थे। लेकिन हमने अपनी फिल्म में किसी पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में कुछ ना कहते हुए हमने एक ओपन ओपिनियन रखा है जिसके ज़रिए हम फिल्म को दिखाना चाहते हैं, और हमारा मकसद फिल्म के ज़रिए सिर्फ ये है कि भाईचारा, ह्यूमैनिटी, पीस ये बना रहे, एकता बनी रहे। हम पहले इंसान हैं, पहले इंसानियत आती है, बाद में धर्म, जात पात और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है फिल्म का बनाने का वो यही है, और मेरा जो किरदार है वो भी उसी तरीके का एक पॉजिटिव किरदार है, जो जिसका नाम देव मलिक है। ये दिल्ली में बड़ा हुआ है और मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, तो अपनी छुट्टियों में जब मुजफ्फरनगर आता है तो किस दौरान इन दंगों में फंस जाता है। प्रॉब्लम कहाँ से हुआ कि जहाँ मुजफ्फरनगर का जो डीएम है उन्होंने सबसे पहले रोक लगाई फिल्म में, उन्होंने पुलिस वाले को बोल दिया कि यहाँ पे फिल्म नहीं लगना चाहिए। जब मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन में वाले जाके थिएटर वाले को बोला कि नहीं चलेगा, तो वो लोग ने लगाने से मना कर दी। फिर उसके बाद हमने डीएम, अपने जो प्रोड्यूसर है मनोज कुमार मांडी, उन्होंने प्रोड्यूसर जाके डीएम से मिला, उनको सुबह फिल्म दिखाई, उनको बोला इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलीज हो सकती है, इसमें कोई ऐसा दंगा होगा कुछ होगा नहीं। अब उनका क्लियर हो गया तो वहाँ मेरठ और एक सारंगपुर वहाँ के लोगों ने प्रॉब्लम चालू कर दी। अब वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ फिल्म नहीं रिलीज होगी। हमारे पास थिएटर वाले का एग्रीमेंट है, सब कुछ है, उसके बाद जब फिल्म लगने का टाइम आ गया तो सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो कौन जिम्मेदार है फिर इसका? कोई लेटर में दिया नहीं उन्होंने लिख के, कुछ नहीं किया। हमारे पास जो सर्टिफिकेट पड़ा है, भारत सरकार का एक बॉडी है जो सेंसर सर्टिफिकेट देता है, इसी बात का तो परेशानी है, यही है जो हमारे पास यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ सेंसर सर्टिफिकेट है। जब ये मिलने के बाद अगर कोई भी डीएम या कोई भी पुलिस वाला जाके बोलता है कि थिएटर में रिलीज नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसकी गलती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये कैसा बोल रहा है, ये क्या जिम्मेदारी नहीं है इसको, ये मानता नहीं है इस गवर्नमेंट को, ये क्या पाकिस्तान से है क्या, हिंदुस्तान से नहीं है, वहाँ यहाँ का ये कानून नहीं समझता है ये लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? इसीलिए बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये कुछ नहीं है इनके पास। हर आदमी बॉलीवुड को एक पता नहीं ऐसे ही समझ रहे, हर आदमी पद्मावती को बंद करो, कभी मुजफ्फरनगर को बंद करो, पता नहीं क्या सोचते हैं ये लोग। लोगों का ठीक है, जो पब्लिक आके बोलती है उनका जो भावनाओं को टेस्ट पहुंचता है, तो हम लोगों को तो अगर ऐसा है तो लोगों के लिए हम तैयार है दिखाने के लिए, लोगों को बुला के दिखाए जाते हैं कि भाई ये चीज़ है। बट एक चीज़ है कि जब सेंसर सर्टिफिकेट हमको मिल गया यूए, जो क्या सेंसर का जो बॉडी है जो क्या मतलब का, फिर जब उसका कोई मानते नहीं है, हर आदमी मतलब कानून हाथ में ले रहा है, फिर तो उसके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप क्यों है, उनका काम है ना। एक विवादित बयान आपकी तरफ से
करेंगे, जरूर जरूर होगा। तो जिसको तकलीफ होता है तो ऐसी बात करेगा, सुसाइड की बात करेगा। जो आदमी परेशान होते हैं सुसाइड करते हैं, और क्या करे। किसान के साथ भी यही होता है। आज क्या हो गया है कि फिल्म प्रोड्यूसर और एक फार्मर दोनों एक लेवल में आ गए, तो उनके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो भी ऐसे सुसाइड कर लेता है लास्ट में। तो यहाँ पे हम लोग फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनने के बाद फिल्म अच्छी बनना चाहिए, उसके बाद उसको प्रॉपर रिलीज होना चाहिए। और हमारे जैसे जो प्रोड्यूसर है इनको जल्दी कोई कॉर्पोरेट वो थिएटर नहीं देता, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, ये भी एक मुद्दा है। सो वो फिल्म अच्छा या बुरा नहीं समझते, ये हम वो लॉबी में नहीं है, तो हमें जल्दी कोई अच्छे शोज नहीं मिलती है। अगर अच्छी फिल्म बनाते तो भी अच्छे शोज नहीं मिलते, तो ताकि फिल्म अपने आप फ्लॉप हो जाती है। लोग बोलते हैं यार इतनी अच्छी फिल्म थी क्यों फ्लॉप हो गए, तो क्योंकि शोज नहीं मिलता, लोग पहुंच नहीं पाते। हमको मॉर्निंग शो दिया जाता है, तो हम कहां से मॉर्निंग शो में अगर लोगों को बुलाएं। तो ये सब चीज़ है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से गुजरने के बाद यहाँ पे फिर वहाँ का जो डीएम बोलते हैं कि यहाँ नहीं लगना चाहिए, वहाँ नहीं, कितना मतलब कितना तकलीफ उठाए हम लोग उस टाइम। ये तो वही टाइम आ गया कि आदमी सब बंद करके सुसाइड कर ले, सब छोड़ दे। प्रोड्यूसर जो पैसा लगाते हैं उसका रिकवर नहीं होगा, उसका पूरा इन्वेस्टमेंट लगाता है और उसका एक उम्मीद रहता है कि फिल्म आने के बाद ये चलेगी, मेरा पैसा रिकवर होगा कि मेरा एक नाम होगा, तो सब खत्म हो जाएगा। तो आदमी ये सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, ये क्या फ़ायदा। कि जो किसान करते हैं सुसाइड, वही चीज़ है यहाँ पे भी। देखिए सबसे पहले तो इस विवाद ने हमारा जो मजा था वो पूरा किरकिरा कर दिया है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि 17 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी, हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पर जो मूड है वो जैसे जैसे रिलीज़ नज़दीक आ रहा है वो ख़राब करते जा रहे हैं ये लोग। फिर भी मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, लोग इसको देखेंगे, कुछ लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग जो देखेंगे वो उनको पूरा जवाब देंगे, और ये फिल्म खुद उनको जवाब देगी कि हमने कितनी अच्छी फिल्म बनाई है, एक अच्छे मैसेज के साथ हमने एक फिल्म बनाई है, और ये फिल्म जो है उनको जब रिलीज होगी तो अपने आप में एक जवाब होगी। चलिए आखिरी सवाल चलते चलते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जिन लोगों के शहर में ये गलत बातें बिठाई जा रही है मुजफ्फरनगर को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपील? जी, उनको यही कहना चाहूंगा कि ये लड़का आपको किसी भी एंगल से सीरियस लगता है, इस लड़के का इस फिल्म के अंदर एक कॉमेडी रोल है जो मेरा दोस्त बना है, तो इस फिल्म के अंदर सब चीज सीरियस है सिवाय इसके कैरेक्टर के जो एक कॉमिक कैरेक्टर है, और हमने बहुत सारी हैवी बातें की हैं, सीरियस बातें की हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा हमारी जनता को कि हमारी फिल्म में सिर्फ सीरियसनेस या दंगे नहीं है, हमारी फिल्म के अंदर बहुत सारा रोमांस है, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारा एक्शन है, और ये फुल ऑन कमर्शियल फिल्म है। इसमें चार गाने हैं, मोहित चौहान जी, नकाश जी का गाना है, तो आप लोग जब आएंगे तो ये सारी टेंशन और सब चीजें साइड में रख के सच्चाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट होके जाएंगे।